जम्मू कश्मीर के गांधरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। जानकारी के अनुसार टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। गांधरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में बड़गाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई। हमले के बाद गांधरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया कि गगनगीर आतंकी हमले में टीआरएफ के 2 से 3 आतंकवादी शामिल हैं। ये पिछले 1 महीने से कंस्ट्रक्शन साइट की रेकी कर रहे थे और इसके चलते ही आतंकी हमले के तुरंत बाद फरार होने में कामयाब हुए। हमले की निंदा करते हुए जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। इन दरिंदों को इससे क्या मिलेगा? क्या वो समझते हैं कि इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहूंगा कि अगर वो सच में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं तो ये बंद करें। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा और हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए। बहुत ही दर्दनाक वाकया है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा।